तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कील पे हम चढ़ाने जाने वाले हैं इस गाड़ी को। आई डोंट नो इससे क्या नुकसान होगा, ये पंचर वापस बंधेगा या मुझे बाहर जाके बनवाना पड़ेगा, लेकिन आप सबके लिए ये करने वाले हैं हम लोग। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज़ डॉग बिहाइंड कैम। एंड आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा, होने वाली है हमारे इन टायर्स के बारे में। तो क्या करने वाले हैं हम इन टायर्स के साथ और क्या परेशानियां क्रिएट हो गई हैं, लेट्स गो एंड शो यू पीपल। तो ये है हमारे डोमिनार 400 जिसके के टायर्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप टायर्स को देख सकते हैं, हालांकि बिल्कुल नए हैं, ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, इवन दो उसके बावजूद इसमें बहुत फाइन क्रैक्स आ गए हैं। अगर आप पास से देखें तो बहुत सारे फाइन बहुत सारे क्रैक्स एंड होल हो गए हैं। इवन जो इसका ये पंचर बना, ये 2-3 बार बन चुका है और बहुत अच्छा नहीं बना था, तो इसमें से लगातार एक लीकेज हो रहा था हवा का। तो उसके लिए अगर हम नया टायर लेने चल रहे हैं इस वक्त अपोलो का या MRF का, तो इसका एक टायर अराउंड 5500 का है। अगर हम दोनों बदलवाएंगे तो अराउंड 10000 का खर्चा है। और क्योंकि इसके ट्रेड्स एकदम अच्छे हैं, एकदम नए हैं और टायर सिर्फ धूप में रहने के लिए, देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ इतने अंदर तक ये मार्किंग जो है यहाँ तक अगर पहुँचता है, उसके बाद आपको टायर चेंज कराना है। तो अभी उससे तो काफ़ी दूर हैं अपन। टायर ज़्यादा चले नहीं हैं, टोटल अभी गाड़ी 7000 किलोमीटर्स ही चली है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक सोल्यूशन का यूज़ करने वाले हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल है किसी भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, और उस सोल्यूशन को हम इसके अंदर इंजेक्ट करा लेंगे थ्रू दिस नोज़ल। और इसको इंजेक्ट कराने के बाद ये होता है कि ये टायर पंक्चर नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कीलें लगा के रखी हैं हमने, इसके ऊपर से हम टायर को वापस निकालेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और वर्क कर रहा है तो कितना अच्छा कर रहा है। आगे का टायर की अगर हालत दिखा दें हम आपको, तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्रैक्स हैं आगे। तो हमने आगे भी इस सोल्यूशन को डलवा लेंगे। क्या है वो सोल्यूशन, कितने का पड़ता है, कहाँ से परचेज़ करना है, वो सब अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए लेट्स गो। तो ये है वो हमारा पंक्चर सोल्यूशन जो कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ईज़िली अवेलेबल है। सिर्फ इस ब्रांड का नहीं, कोई से भी ब्रांड का आपको काम कर जाएगा। ये स्पेशली मेड फॉर ट्यूबलेस टायर्स है। 50 ml के करीब तक आप एक टायर में डाल सकते हैं थ्रू दिस नोज़ल। इसको डालने का सिंपल तरीका ये है कि एक 50 ml की फीडिंग सिरिंज ले लें। दो तरह की सिरिंजेस आती हैं, एक नॉर्मल सिरिंज और एक फीडिंग सिरिंज होती है। तो इस तरह की एक फीडिंग सिरिंज आप ले लें, इसके अंदर 50 ml इसको भरें, 50 से 60 ml जितना आप चाहें, और इसके अंदर कर दें, फिल कर दें। ये चीज़ आप नॉर्मल किसी भी टायर शॉप पे जाके करवा सकते हैं। अगर आप ख़ुद से ये चीज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको हवा भी ख़ुद से भरना पड़ेगी, जो कि आई डोंट थिंक सबके पास अवेलेबल होता है। तो एक टायर वाले के पास जाएँ, यहाँ पर वो स्क्रू रहता है, उसको अपनी स्क्रू ड्राइवर से निकाल देता है जो कि अपने पास अवेलेबल नहीं है, और फिर वो इसमें भर देगा। और इसको भरने के बाद कुछ नहीं करना, वापस उसको टाइट करके और हवा भरवा लिए। दिस इज़ इट, दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू डू। और उसके बाद हमने ये सब कुछ करा चुका है, अब किस तरह से ये परफॉर्म करता है वो हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कील पे हम चढ़ाने जाने वाले हैं इस गाड़ी को। आई डोंट नो इससे क्या नुकसान होगा, ये पंचर वापस बंधेगा या मुझे बाहर जाके बनवाना पड़ेगा, लेकिन आप सबके लिए ये करने वाले हैं हम लोग। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। तो इस तरह से आपने देखा होगा ये चढ़ गई है नेल के ऊपर। अभी एक ही नेल के ऊपर चढ़ाने वाले हैं। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से इस तरह से, और जल्दी से ये करना है आपको कि आप इस पहिए को नीचे की तरफ ले आएँ, तो जो फ्लूइड है वो नीचे जम जाएगा। और ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे करें गाड़ी को, और फिर उसके बाद देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसने वर्क किया है या नहीं किया है। गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले लेते हैं और आप सबको दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये पंचर हुआ था, आप देख सकते हैं ये पंचर का निशान है। और तो ये है वो पंक्चर का निशान। ये पुराने पंक्चर का है जो कि कभी हुआ होगा। ये दूसरे ये है एक्चुअल पंक्चर जो अभी इसकी से हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कोई हवा का लीकेज नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ वाटर लगा के भी दिखा देता हूँ कि कोई बबल फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब द फ्लूइड इज़ वर्किंग फ़ाइन। तो जल्दी से हम आपको वाटर लगा के दिखा देते हैं इस पर, सोपी वाटर। अभी जब हमने वापस इस वीडियो को देखा तो हमें समझ में आया कि दो छेद हुए थे इसमें इन 2 कीलों की वजह से। तो एक छेद ये है आपके सामने और दूसरा छेद ये है। दोनों पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के दिखाएंगे आपको कि कोई बबलिंग का चांस नहीं है। इस तरह से दिखा दिया हमने, ये देख सकते हैं आप, कोई बबलिंग नहीं हो रही। अगर इस वाले पे भी हम पानी लगाएं इस तरह से तो कोई बबलिंग यहाँ से भी नहीं हो रही, आप देख सकते हैं। तो एक बार और टायर को आगे पीछे कर लेते हैं जिससे वापस फ्लूइड और अच्छे से हो जाएगा। हल्का सा मुझे इसमें बबल्स लग रहे हैं पर एज सच नहीं है, हल्के से हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, हल्का सा बबलिंग लग रही है यहाँ पे। तो इसको और पीछे कर देते हैं जिससे वो फ्लूइड इस पर फिल इन हो जाए उनको। तो ऐसे वापस इसको पीछे कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि वो टायर का जो एरिया है उसको आपको नीचे लेके आना है, क्योंकि अगर उसको ऊपर करेंगे तो फ्लूइड तो नीचे रह जाएगा तो वो भर ही नहीं पाएगा पंक्चर। बट एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस दिस इज़ वर्किंग वेरी वेल। अच्छा खासा पंक्चर हुआ लेकिन उसको उसने फिल कर लिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट। और इस तरह से टायर को पीछे ले आए हैं, थोड़ा सा हिला देंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं यहीं पे हुआ था वो मेन पंक्चर। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये है वो मेन छेद। इसके ऊपर अगर हम पानी डालें तो कुछ नहीं निकल रहा जिस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं इस वाले में भी नथिंग इज़ विजिबल। इट मीन्स दैट दिस इज़ वर्किंग। तो इसको आप किसी भी ट्यूबलेस टायर में डाल सकते हैं। आप टायर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, नया टायर है आपका, धूप में खड़े खड़े इसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो ये एक तो कूलेंट का काम भी करेगा आपके लिए और दूसरा ये आपके पंक्चर्स भी ऑटो फिल कर देगा। आजकल वैसे सियाट जो है वो एक पंक्चर प्रूफ टायर निकालने लगा, जो कि मैं सून अपने एक दूसरी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ। वो उसका रिव्यू भी हम आपको बता देंगे। बट दिस वर्क्स फाइन। कोई भी आप ले सकते हैं, ट्यूबलेस और ट्यूब वाला, और दिस इज़ मैजिक। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है ये, मैं कहूँगा। आपके 10,000 रुपये बचेंगे। 300-400 रुपये से 1,000 के बीच में आपका ख़र्चा हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन आपके काफ़ी पैसे इस तरह से बच सकते हैं। तो दिस इज़ इट गाइज़। डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। दिस इज़ डॉग बिहाइंड साइनिंग आउट। पीस आउट।